नमस्कार, इस वक्त मौजूद हैं गाजीपुर के यूसुफपुर में। यहीं पर मुख्तार अंसारी का घर था और जिनके ऊपर काफ़ी बड़े बड़े आरोप लगे थे और बीते दो दिन पहले उनकी मृत्यु हो जाती है और बताया जाता है कि उनको हार्ट अटैक आने से उनकी जान चली जाती है। काफ़ी और आरोप हैं आपको बताने से पहले हम आपको दिखा दें। अभी यहाँ थोड़ी लेट हो गई हमें आने में, काफ़ी भीड़ यहाँ, हम भी न्यूज़ में देखे कि लाखों की संख्या में यहाँ पे दूर दूर से लोग आए हुए थे उनको मिट्टी देने के लिए। यहाँ पर काफ़ी भीड़ थी, लेकिन अभी यहाँ बिल्कुल माहौल, आप चारों तरफ दिखाइए, बिल्कुल माहौल एकदम शांत है। लोग आ रहे हैं, आराम से मिट्टी दे रहे हैं और जा रहे हैं। यहाँ पर कुछ लोग हैं और थोड़ा से हम इनसे बात करेंगे। जो आरोप चल रहे हैं मीडिया में उनको लेकर कि मुख्तार अंसारी जी ऐसे थे, वो ऐसे थे, माफिया थे, क्या कहेंगे इस पर जी? जो आरोप लग रहे हैं अभी और बड़े बड़े मीडिया पे चलाया जा रहा है और पुरानी वीडियोज कुछ चल रही हैं, क्या कहेंगे इस पर? वो तो राजनीति है, वो कोई ऐसी बात नहीं है। ऐसा रहता तो कोई भी एक व्यक्ति इनके खिलाफ खड़ा होता कहने को ना। किसी भी माफिया के कोई एक गरीब खड़ा होता है ना कि नहीं, हमारा ज़मीन हड़पे हैं, हमारा जो पैसा हड़पे, हमारा कुछ भी किए हैं। लेकिन इसके खिलाफ तो कोई भी नहीं खड़ा हो रहा है, चाहे कोई भी हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई, सबको ये एक बराबरी माने, सबको भाई माने। ये इसका कोई ऐसा नहीं था कि नहीं ये मुस्लिम है, ये हिंदू है, ऐसा कुछ नहीं। सबकी शादी कराया, सबकी मदद किया। किसी की कोई ज़मीन हड़पता था उसको भी जो है ये छुड़वाते थे, दिलवाते थे। हर कास्ट के लोगों की मदद हुई, इसके यहाँ से ऐसी कोई बात नहीं थी। ये तो राजनीति एक फंडा है कि भाई ये है, वो है, ये है, वो है। लेकिन कोई साधारण व्यक्ति भी तो इसके खिलाफ कहे तब तो माना जाएगा ना। इस तरह तो जो है कि दुनिया है कहने को, जो उगते सूरज को जो है सब बोलता है सब कुछ, डूबते सूरज को कोई कुछ नहीं बोलता है, बस यही चीज़ है। उनकी मृत्यु के बाद बताया जा रहा है कि उनके घर वाले भी और पहले से भी कह रहे थे मुख्तार अंसारी की हमें पॉइजन दिया जा रहा है यहाँ पे, और अभी भी आरोप वही लग रहा है उनके घर वालों का भी कि उनको जहर दिया गया है, धीरे धीरे उनको मारा गया है, समय पर उनका इलाज नहीं हुआ इसलिए उनकी जान गई है। ये तो सब ये तो कह ही रहे हैं लोग, तभी तो पोस्टमार्टम कराए हैं लोग। अगर से ऐसा नहीं रहता, क्लियर रहता कि भाई मौत इनके हार्ट अटैक से हुई है, मौत तो एक दिन सबकी होना है, बरहक है, वो तो लिखा है, बहाना जो भी लग जाए। और ऐसे कोई किसी को मार नहीं सकता है ना, बगैर ऊपर वाले के मर्जी के एक पत्ता भी नहीं हिल सकता है। और वो तो अगर से नहीं रहता तो पोस्टमार्टम क्यों कराते हैं वो? क्या लगता है आप लोगों को इस तरीके से किया गया है? सबकी तो वही है, सबकी एक ही आवाज़ है कि भाई इसको जो है कि पॉइजन दिया गया। अफजल अंसारी से 10 साल वो छोटे थे, आखिर वो इस कंडीशन में कैसे होगा? ऐसा तो नहीं कि पहली बार ये जेल गए, जेल तो आना जाना बराबर का लगा था, जेल में उनको आने जाने से कोई फर्क नहीं था। और कोई भी ऐसा नहीं खड़ा हुआ जो कहे इनके खिलाफ कि हाँ हमारी जमीन हड़प लिए, चाहे मेरा पैसा ले लिए, चाहे हमसे महीना मांग दिए, धमकी दिए, ऐसा कोई नहीं है। एक तरफ यहाँ पर हम बताया जा रहा है और देखें भी हम न्यूज़ में कि काफ़ी लोग बोल रहे हैं कि हम हिंदू हैं, मुसलमान हैं, हिंदू मुसलमान यहाँ आए हुए थे, सभी लोग आए हुए थे, सभी लोग आए थे। एक तरफ जहाँ उनको बताया जा रहा है कि ये माफिया थे और दूसरी तरफ वहीं बताया जा रहा है यहाँ के लोग भी कह रहे हैं कि वो मसीहा थे, इसमें कितनी सच्चाई? मसीहा तो थे, सब कास्ट, किसी भी कास्टों से पूछ लीजिएगा सभी लोग बता देंगे। ऐसा नहीं है कि पंडित जी लोग की मदद नहीं किए हैं, ऐसा नहीं कि बाबू साहब लोग की मदद नहीं किए हैं, ऐसा कुछ भी नहीं है। जात पात उनके अंदर न था, न है, न रहेगा इन लोगों के फाटक पे। इन फाटक पे जो भी जाता है सबकी मदद होता है। उनकी एक ही आवाज़ थी कि फाटक पे कोई भी आए खाली हाथ ना जाए, ये था और रहेगा। देखिए, मुख्तार अंसारी 2005 में भी एक मऊ में दंगा हुआ था, उसमें भी इनका नाम आया था, काफ़ी आरोप थे, तभी से जेल में थे और बताया हमने जैसा आपको कि कुछ दो दिन पहले उनकी मृत्यु हो जाती है, क्या कहेंगे चाचा? क्या कहेंगे, तो मरने वाले जल्दी अभी नहीं थे, लेकिन अब उनका मौत हो गया तो क्या बताया जाए। आरोप है परिवार वालों का कि उनको जहर दिया गया है। सही है, बात ये तो है, ये तो है, ये है कि जहर देकर के उनको जेल में मारा गया है। ऐसा आखिर सरकार क्यों किया? एक तरफ मोदी जी कहते हैं कि 140 करोड़ जनता हमारा परिवार है, और दूसरी तरफ अगर इस तरीके की हरकत होती तो फिर गलत है ना? तो हरकत किया ही है वो, ऐसा बात नहीं है, इनके साथ में बहुत अन्याय किए हैं, जेल में ले जाकर इनको बहुत सताए हैं, ऐसा बात नहीं है। वो तो यहाँ के लिए क्या, यह पूरा हम लोग के देश के लिए भी बहुत अच्छा काम किए हैं। बता रहे हैं लोग, कह रहे हैं कि
बहुत अच्छे थे, वो सबसे मिलते जुलते, ऐसा नहीं कि केवल मुस्लिम थे तो मुस्लिमों से जो भी आता था उनके पास उनकी फरियाद सुनते, बहुत गरीब सबका भी सुनते थे, वो गरीब का भी बहुत सुनते थे और बहुत मदद करते थे, ऐसा बात नहीं है। तो अभी आप लोग क्या चाहते हैं, जैसा कि जो आरोप है उनको इस तरीके से किया गया उनके साथ, तो फिर उस पर अभी आप लोगों की क्या प्रतिक्रिया है? अब उसमें हम लोग क्या कर सकते हैं बताइए, नहीं जांच की मांग कर रहे हैं लोग, जांच की मांग कर रहे हैं तो अब जांच में क्या होगा, अब हम लोग क्या जाने बताइए। जी धन्यवाद। देखिए यहाँ पर और लोग भी हैं, ये भाई साहब आए हुए थे, इनसे भी थोड़ा सा बात कर लेते हैं, रुक जाइए एक मिनट। कहाँ से हैं आप? यहीं से हैं। यहीं से हैं। इनके ऊपर काफ़ी आरोप लगे थे, जब से जेल में थे तभी आरोप के चलते ही जेल में थे, और उसके बाद अभी ये नहीं है दुनिया में, फिर भी इनके ऊपर आरोप लग रहा है, इस पर क्या कहेंगे? पूछते हैं, ये बहुत अच्छा इंसान थे, इनका परिवार बहुत अच्छा इंसान है, ये आरोप तो विरोधी वाले सब लगाते रहते हैं, और क्या, ये गरीबों का मसीहा थे। एक तरफ आप मसीहा कह रहे हैं, काफ़ी लोग यहाँ पे 2008 में मेरे पास पैसा नहीं था ऑपरेशन कराने के लिए, लखनऊ जाते थे हॉस्पिटल में, क्या बेड नहीं है, एक बार दो बार गए, 2008 में जेल में थे, एक चिट्ठी लिखी वो उसके बाद लेकर गए तो वहाँ के डॉक्टर तुरंत हमको शिफ्ट किए, ऑपरेशन कराए, हमारा कम पैसा लगा, उसमें से आधा पैसा हमको मिल गया, दवा वो सब फ्री में हुआ, ये सारे लाखों करोड़ों आदमी को ये हर काम किए हैं, काफ़ी मदद करते थे लोग, बहुत काफ़ी, शादी से लेके बिहार, तो एक आरोप और लग रहा परिवार वाला, वो कर जाता था, वो हंस के आता था, उसका हर मुराद उनका जैसे ऊपर वाले से मुराद पूरा था, उसके ये मुख्तार अंसारी से पूरा होता था। परिवार वालों का आरोप है कि उनको जहर दिया गया, इस पर आप क्या कहेंगे? अब इस पर हम टिप्पणी नहीं कर सकते हैं। क्या ऐसा हो सकता है? अब इस पर हम टिप्पणी नहीं कर सकते हैं। जी आप भैया कहाँ से आए हैं? नौपुरा से। नौपुरा से कितना दूरी पड़ता है? 1 किलोमीटर। किलोमीटर कैसे थे मुख्तार अंसारी? मुख्तार अंसारी बहुत अच्छे थे सर। फिर क्यों ऐसे ऐसे चलाया जा रहा है, और पहले से भी उनकी खबरें चल रही हैं कि मुख्तार अंसारी लोगों को सताते थे, मारते पीटते थे, 2005 में इधर गोली चली उनका हाथ था, ये सब दिखाया जा रहा है, क्यों? सर जब गोली चली तो यहाँ पे थे ही नहीं, जेल में थे पहले से। नहीं 2005 में, उसमें 5 में जो चली थी, और फिर गाड़ी पे बैठे हुए मुख्तार अंसारी, वीडियो अभी चलाई जा रही है, तब तो चला था लेकिन अब वीडियो फिर से चलाई जा रही है। हाँ तो उसमें जी सर ये सब अफवाहें हैं, ये सब गलत बात है, वो गरीबों के मसीहा थे। जी भैया आप कहाँ से आए हैं? गाजीपुर से, महाराजगंज से। गाजीपुर से जी। कैसे थे मुख्तार अंसारी? अच्छे थे, गरीबों का मसीहा थे। मसीहा थे जी। आप मसीहा कह रहे हैं, लोग बता रहे थे, क्या क्या कह रहे हैं? कहने वाले के तो बहुत जबान है, कुछ भी कह सकते हैं, मगर जो देखा जाता है वही कहा जाता है जी। मदद करते थे लोगों की? जी गरीबों का मदद करते थे, गरीबों की मदद करते, गरीबों की मदद करते थे। आइए चाचा एक आ रहे हैं, अभी आए थे, अभी काफ़ी दूर से आए हैं चाचा। सलाम अलैकुम। वालेकुम अस्सलाम। कहाँ से आए हैं? मैं यूसुफपुर नौपुरा से आया हूँ। अच्छा, अभी देखिए हमारे बीच में नहीं है मुख्तार अंसारी जी, लेकिन उनके ऊपर अब भी आरोप लग रहा था, तब भी लग रहा था जब से जेल में थे, और आरोपों के चलते ही जेल में थे वो, और अब भी लग रहा है मुख्तार अंसारी ऐसे थे, ऐसे किए थे, उनकी गुनाहों की सज़ा मिली होगी? जी गुनाहों की सज़ा नहीं, वो तो निर्दोष से, हम आज से नहीं, हम लोग बचपने से, हम लोग तो एक दो क्लास पीछे उनके रह चुके हैं, पढ़े भी हैं, लेकिन आज तक कभी ऐसी कोई बात ही नहीं आई, हम लोगों का हमेशा कभी भी कोई ज़रूरत पड़ने पर मददगार थे, सहारा, आधी आधी रात को जाओ जी, हमारे वालिद साहब थे, उनके वालिद साहब वैसे ही मदद कर रहे थे, पहले जो ज़माने में टार्च नहीं रहा करता था, आकारी नहीं रहा करता था, तो लोग जो है सांप निकलता था तो जाते थे इनके यहाँ, इनके वाले साहब के पास, तो वो उसी रात जो है 12 बजे 2 बजे जो भी रात हो वहाँ जाके उनकी मदद करते थे। एक और चल रही है वीडियो बराबर, जो 2005 में आप यहीं के थे, आपको पता होगा मऊ में जो दंगा हुआ था, उसमें भी वीडियो में गाड़ी पर बैठे हुए मुख्तार अंसारी, और उस पर सब वीडियो चलाई जा रही है। नहीं तो वो दंगा थोड़े, यहाँ तो लोग आरोप लगा रहे हैं कि दंगा फैला रहे, दंगा थोड़े नहीं फैला रहे, यही तो आरोप लगा रहे दंगा, बाद में जब सुने तो घूमने लगे लोगों को, शांत हाथ भी देखा होगा कि हाथ ऐसे इशारा कर रहे हैं कि मतलब ऐसा गलत काम मत करो। अब भाई एमटी पार्टी जो उनके ऊपर आरोप लगाए वो बात की बात है, बाकी अभी जो परिवार वालों का जैसा कि आरोप है कि उनको जहर दिया जा रहा था, जैसा कि उन लिखित में भी दिया था मुख्तार अंसारी ने कि हमें जहर दिया जा रहा है यहाँ पे, तो अभी उस पर क्या है आप लोगों की प्रतिक्रिया? कहीं पे पूरा 100% जहर दिया गया है जी, दिया गया जी, जिस दिन वो हुआ था उस दिन, उसी दिन फोर्स आई थी पता करने के लिए सुबह के टाइम।
मोदी जी कहते हैं कि ये पूरा भारत देश जितनी भी संख्या है 140 करोड़ सब हमारा परिवार है, तो फिर ऐसा क्यों करेंगे? अब वो जाने कैसे क्या करेंगे क्या नहीं करेंगे। यहाँ तो यहाँ हिंदू मुस्लिम हर तरह हर कौम के लोग, देखिए हिंदू हैं बेचारे ये भी आए हैं, हर कौम के लोग जो है यहाँ आए हुए हैं। जी चाचा थोड़ा बात कर लेते हैं, जैसा कि चाचा ने कहा कि देखिए कि हिंदू हैं और आए हुए हैं। हाँ हिंदू हैं। जो इनके ऊपर आरोप लग रहा, अभी तो हमारे बीच में नहीं है, जो आरोप लग रहा है इनके ऊपर, जिंदा थे तो भी लगा, अब नहीं है दुनिया में फिर भी लगा। भाई नेता आदमी हैं, सब आरोप लगाते हैं सब पर, क्या सत्यता है तो बहुत जाने। हम ही अगर नेता हो जाएंगे तो हमारे ऊपर चोरी का इंजाम लगेगा। आप तो यहीं करीब के ही होंगे। हाँ पता ही होगा सब कुछ इनके बारे में। अच्छा आदमी थे। अच्छा हम लोगों के लिए अच्छा थे, मसीहा थे। हाँ मसीहा कहिए चाहे जो कहिए, हमारे जब कुछ बिगाड़ा ही नहीं तो हम क्यों कहें। लोग कह रहे हैं कि यहाँ के लिए मसीहा थे लोगों के लिए। हाँ। और उधर लोग कह रहे हैं कि माफिया थे इसी पे, इसीलिए हम। अरे भाई कहने वाले कहेगा तो हम लोग सबका किसका किसका जवाब देंगे। बाकी अच्छे थे बात है ना। अभी जो ये आरोप लग रहा परिवार वालों की तरफ से लगाया जा रहा, और यहाँ के लोग भी जो आए थे वो भी बता रहे हैं कि उनको जहर दिया गया, इस पर क्या कहेंगे आप? अब देखिए ये तो जांच चल रहा है ना, जांच में स्पष्ट मालूम हो जाएगा आखिर एक बैग मौत हुआ कैसे। ये भी सोचने वाली बात है। हाँ जांच से पता चल जाएगा। चलिए जाइए आप मिट्टी दे दीजिए। देखिए चाचा थे मिट्टी देने आए थे यहाँ पे, इनसे बात हुई हमारी। जी भैया कहाँ से हैं? हमारे हैं मोहम्मदाबाद गोहना से। मोहम्मदाबाद गोहना से। अभी मुख्तार अंसारी बीच में नहीं हैं जी, क्या कहेंगे? क्या कहेंगे अब इनकी जितनी ज़िंदगी थी पूरी हो गई। यही हम पूछ रहे हैं कि जो लोग आरोप जब जिंदा थे तब भी लगे, आरोपों के चलते उनको गिरफ्तार किया गया, तब से जेल में थे, और अभी अचानक उनकी मौत हो गई, उसमें हार्ट अटैक बताया गया। अब लेकिन परिवार वाले और जो आए थे यहाँ पर वो लोग भी मानने को तैयार नहीं हैं कि उनकी हार्ट अटैक से मौत हुई है, कह रहे हैं कि जहर से हुई है। क्या लगता है? देखिए जब सब लोग कह रहे हैं तो फिर इसमें कुछ ना कुछ तो सच्चाई होगी, क्योंकि जहर तो पहले भी इनको दिया गया था। हाँ तो अब इनकी इसकी जो है अच्छी से अगर जाँच होगी तो फिर इसमें मालूम हो जाएगा कि सच्चाई क्या है। लेकिन जब हर लोग को कह रहे हैं, सिर्फ यहीं के लोग नहीं कह रहे हैं, सब लोग कह रहे हैं कि 100% जहर ही का ये असर है। ये तो अभी तो ठीक ठाक थे, इतना भी ज़्यादा ख़राब नहीं हुई थी तबीयत। तो अभी क्या आप लोगों की मांग है, क्या इस पर जाँच किया जाए? बिल्कुल इसमें जाँच तो पूरी होनी चाहिए, जाँच होनी चाहिए तभी तो मालूम होगा ना सच्चाई क्या है। लेकिन अभी पोस्टमार्टम आया कि नहीं? अब इसके बारे में तो मुझे नहीं मालूम कि पोस्टमार्टम, अब वहाँ से तो पोस्टमार्टम तो हुआ ही था। लेकिन जब ये बताया गया कि हार्ट अटैक से उनकी मौत हुई तो कहीं ना कहीं डॉक्टर तो साबित किए होंगे, तभी तो बताया गया। अब डॉक्टर की रिपोर्ट अब क्या कहती है, रिपोर्ट तो अपने जो है खुद से बनाया भी जाता है, बहुत सारी चीज़ें अब जो है अब अंदर लोग क्या करते हैं क्या नहीं करते कुछ बाहर अलग थोड़ी पता होता है। रिपोर्ट आदमी अपने मन से भी बना के पेश कर देता है कि कुछ जो है बाद में कुछ हो ना जाए, मतलब अभी ये छोटे मोटे आदमी नहीं थे ना। हो सकता है ऐसा। हाँ ऐसा हो सकता है, छोटे मोटे आदमी नहीं थे ना तो। आइए जी धन्यवाद जी चाचा, सलाम वालेकुम। बड़े आरोप लग रहे हैं इनके ऊपर, जिंदा थे तब भी और अभी भी लग रहे हैं, क्या कहेंगे? आरोप तो लग नहीं है, लेकिन यहाँ देख ही रहे हैं कितना भीड़ है। ये गरीबों के मसीहा थे, बहुत मददगार थे। आरोप लगाने वाले लोग आरोप लगाएं, उनका कौन मुँह छेंकेगा। बताया जा रहा है कि लोगों को सताते थे और लोगों को मारते पीटते थे, क्या ऐसी बात थी? किसी को नहीं मारते पीटते थे, जो इनको हमको जो मारेगा उसको हम नहीं मारेंगे। कोई गरीब आदमी कहे, गरीब आदमी का बहुत मदद करते थे। इतना भीड़ क्यों हुई है? लाखों के आए हैं, कहाँ मुसलमान सब आए हुए थे। हाँ हिंदू मुसलमान सब आए थे। अगर इनसे मोहब्बत नहीं होती, सताए होते तो क्यों आते लोग? अब ये जहर वाली बात, इसमें कितनी सच्चाई हो सकती है? अब जहर वाली बात में हम नहीं बता सकते हैं। जी भैया जो अभी कहा जा रहा है कि जहर दिया गया, इसके बारे में तो हम नहीं बता पाएंगे भाई साहब, लेकिन इतना बताएंगे कि जरूर मसीहा थे हम लोग के,
इनका नाम लेना पर हम लोग कहाँ से आ जाता है, भर जाता है। कोई भी गया इनके किया कुछ कहने सुनने पर खाली हाथ नहीं आता था, उनका समझिए कि मदद मिलता था, कहीं से मदद हो जाता था। अब निराश हो गए हम लोग, तो कुछ कहने लायक नहीं है। वैसे भाई जो भी जो लोग कहें उसका अलग की बात है, लेकिन जो गए उनके किए खाली हाथ नहीं आए, उनका मदद मिला है, करे हैं मदद। लंबे समय से जेल में थे और वहाँ से लिखित भी दिए थे कि हमें खाने में जहर दिया जा रहा है। हाँ, तो इसके बारे में हम नहीं बता पाएंगे ना। अच्छे थे जी चाचा जी, क्या कहेंगे इन आरोपों पे जो अभी लग रहे हैं? क्या हम लोग क्या कहेंगे उनको, जो घर के लोग हैं वो खुद कह रहे हैं कि जो है एक हफ्ते से 19 तारीख से जो है उनको खानों में जहर दिया जा रहा है। उन्होंने खुद गवाही दी है, घर वालों ने गवाही दी है, उनके भाई उनके बेटे उमर अंसारी ने गवाही दी है। ज़रूर कुछ न कुछ है, इसीलिए जो है उनकी शरीर बहुत कमज़ोर हो गया था और जो है इलाज सही से नहीं हो पाया। अगर इलाज हुआ होता तो रह जाते। मौत तो बरहक है, मौत आनी है, कुल्लू नफ्सिन ज़ाइक़तुल मौत। हर एक चीज़ को मौत का मज़ा चखना है, हर एक चीज़ को मौत का मज़ा चखना है, हमें भी आपको सबको। लेकिन जो है वक्त बेकार वक्त की बता रहे हैं कि बहुत यहाँ पर करीब लाखों की भीड़ थी, यहाँ पर हिंदू मुसलमान सब आए थे इनके जनाजे में। सबकी मोहब्बत है, उनकी मोहब्बत जो है दिखा दिए लोग। लखनऊ से आए और जो है पंजाब से आए, बहुत दूर दूर से लोग आए हैं। यही है उनकी मोहब्बत, ना पैसे दिए ना पैसे से आए ना किसी प्रचार हुआ, लोग सुने और आए। एक चीज़ और यहाँ पे अभी हमने देखा न्यूज में, बता रहे हैं कि यहाँ के लोग मुसलमान गेट तोड़ के अंदर गए हैं, लेकिन गेट तो सुरक्षित पूरा दिखाई दे रहा है हमें। नहीं, गेट टूट नहीं टूटा था, कहाँ गेट टूटा है, नहीं गेट तो नहीं, गेट नहीं टूटा है अभी। ये ऐसा है गेट तोड़ के अंदर घुसे थे? ऐसा तो नहीं है, गेट तोड़ के अंदर कोई गेट तोड़ के नहीं गया है, प्रशासन का हुआ। यहाँ पे आए लोग, आई भीड़, थोड़ा सा चार्ज किए थे लोग प्रशासन के, थोड़ा धक्का पर डांट दिए थे, पर गेट तोड़ता था। दिखाया जा रहा कि देखिए, आइए थोड़ा सा हम इधर दिखा देते हैं, इसी गेट की बात की जा रही है जो कि गेट तोड़ के अंदर मुसलमान घुसे थे, लेकिन देखिए गेट पूरा सुरक्षित बचा हुआ है। इसमें गेट यहाँ पर कहीं भी कुछ गेट पे नहीं हुआ है, लेकिन कैसे कैसे क्या क्या चला देते हैं लोग समझ में नहीं आता है। बाकी यहाँ पे देखिए काफ़ी दूर दूर से लोग आए हैं उनको मिट्टी देने के लिए। थोड़ा सा इधर से दिखाइए, वहाँ जाइए, दूर दूर से लोग आ रहे हैं और मुख्तार अंसारी को यहाँ पर मिट्टी दे रहे हैं। बाकी मुख्तार अंसारी अभी बीच में नहीं है लोगों के। आप सभी लोग वीडियो देख के कमेंट में अपनी राय जरूर दीजिएगा कि जो आरोप लगाए जा रहे हैं इनके ऊपर उसमें कितनी सत्यता है। धन्यवाद।